परी जल्दी करो भाई, बहुत देर हो रही है यार, ऑफिस पहुंचना है। आ रही हूँ भाई। चलो चलो। अम्मी अम्मी हाय है, तू गया नहीं, तेरा तो पर्चा था आज। हाँ, वही जाने के लिए तैयार हो रहा हूँ, 2 बजे है पर्चा मेरा, वो बादामी रंग का मैंने कोट रखा था अब्बू का, मिल ही नहीं रहा, चलो मुझे ढूंढ के दो। हे, क्या हो गया, गिराएगा मुझे, पागल हो गया, अजीब पागल जोकर लगता है अपने। आपको नहीं पता अभी बहुत कुछ करने जाके, हॉल में पूरी डेस्क तैयार करनी है, चल के ढूंढ दो ना मुझे। कौन सा कोट, वही वाला? हाँ है, जिसका अस्तर निकला हुआ है। हाँ वही वाला, जिसके आस्तीन के 2 बटन भी टूटे हुए थे। वो तो मैंने अभी धोया, मैंने कहा खुशक हो जाएगा तो रेडी वाले को देके ना, तो प्लेटें ग्लास ले लूंगी, घर में बर्तन ही कोई नहीं है। धो दिया? हाँ धो दिया है। क्या करा अम्मी आपने, या खुदा अम्मी, उसमें पूरा कोर्स था मेरा, क्यों धोया आपने? क्या हो गया इसको, कैसी बैकी बैकी बातें कर रहे? अच्छा ना, वो सूख जाएगा अभी घंटे में, तो पहन ली शाम को। अफसोस, लगता है सारी मेहनत जाया चलेगी इम्तिहानों की। ज्यादा तंज करने की जरूरत नहीं है, मुझे पता है कितना दुख और अफसोस हो रहा होगा तुम्हें। चल कुकड़ी। मैं क्यों जलूंगी, और तुमने कौन सा जिले में गोल्ड मेडल ले आना था बीए के इम्तिहानात में? ये गोल्ड मेडल लेना कोई कमाल बात नहीं है, और देख लेना एक दिन ये जितने गोल्ड मेडल्स लेने वाले ना मेरे नीचे काम करेंगे, ये तुम जैसे छोटे लोगों की सोचा है। छोटे लोग? हाँ हम छोटे लोग हैं, आप तो बड़े लोग हैं ना, आपकी बहुत कोई फैक्ट्रियां लगी हुई हैं। ये फैक्ट्रियां और ये बड़ी तनख्वाहें, यही तुम जैसे छोटे लोगों का मसला है। अरे पता नहीं कौन सा ऐसा बुरा दिन था, तुम लोग हमारे हमसाए आके बसे थे, बचपन से सुनते चले आ रहे हैं रमजान साहब घर बना रहे। अरे भाई बनाओ और टलो यहाँ से। हम क्यों टले, तुम टलो, 2 बजने में ज्यादा वक्त बाकी नहीं है। मेरा सारा टाइम जाया कर दिया, मुझे रास्ते में से गाइड भी लेनी है। अच्छा सुनो, ध्यान से जाना, इस मुल्क को हमको तुम जैसे नौजवानों की बहुत जरूरत है। तुझे ना गले पड़ गई।